Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big business ideas. न बन ऐसा कि दुनिया के डर से तेरे फैसले बदल जाएं, बल्कि कर कुछ ऐसा कि तेरे फैसले से दुनिया बदल जाए और आपके व्यवसायिक फैसलों को ऊंची उड़ान देने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत महिला उद्यमियों को सफल बनाने के प्रति काफी सजग है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों अवसर दिए हैं। क्या है वो अवसर और कैसे इसका लाभ उठा सकती है हर वो महिला जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्लीज हैव अ सीट। तो सर, महिलाओं को हमेशा से आगे बढ़ाने की बात होती आई है। कहा जाता है कि महिलाओं को व्यवसाय करना चाहिए, उनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये सवाल मन में ज़रूर उमड़ता है कि एक महिला के लिए बिजनेस करना आखिर क्यों ज़रूरी है। शिल्पा जी, बहुत गंभीर विषय उठाया आपने, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन में 48.33% महिलाएँ हैं जी। मतलब लगभग आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है। यदि हम उनको एक्सक्लूड कर दें बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर बहुत कम रह गए। बिल्कुल। तो देश और समाज का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि असंभव काम है। इसीलिए वीमेन एंटरप्रेन्योर की बहुत अहमियत है। और कोई भी संपन्न देश या कोई भी देश जो संपन्न बनना चाहता है और वो चाहता है कि मेरी GDP बढ़े और वो देश आगे बढ़े, सब लोगों को रोजगार मिले, वो तभी संभव है जबकि महिलाएं भी एंटरप्रेन्योर बने। करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो जहन में आती है कि महिलाओं के लिए अगर हम वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें, तो आज का जो माहौल है उसमें आप कैसे देखते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या स्थिति है? बहुत ही ख़राब स्थिति है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूँगा जिसको सुन के शायद आपको शॉक भी लगे कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसका जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, उसने वो 77 कंट्रीज पे किया जी। उन कंट्री पे उसने ये सर्वे किया कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या सुविधाएं हैं देश के अंदर, फाइनेंस की सुविधा क्या है, उनको आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट के इंसेंटिव स्कीम्स क्या हैं, उनको इन्वायरमेंट कैसा है, ईज ऑफ डूइंग कैसी है उनके लिए बिजनेस करने की। तो आपको हैरानी होगी जान के कि इंडिया उसमें 70 नंबर पे है, लगभग आखिर में। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर का ज्यादा होना बड़ा जरूरी है। जब तक महिलाएं एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगी तो समाज भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिलाएं जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, आगे निकलना चाहती हैं, आज का अगर माहौल हम लोग देखें, कुछ लेडीज जो एक गृहस्थी की ओर आगे बढ़ जाती हैं, शायद वो उसके बाद बिजनेस करने के बारे में सोचती नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि एक रोल मॉडल हैं उन सभी फीमेल्स के लिए जो गृहिणी होने के बावजूद अब अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो उन्हें बुला लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि आज जो हमारे साथ हमारी मेहमान आ रही हैं, आप ब्यूटी और वेलनेस की एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज के जरिए आपने ना सिर्फ पूरे भारत देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी कामयाबी का सिक्का जमाया है। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज से कुछ साल पहले तक आप सिर्फ एक गृहिणी थी, लेकिन आज आप एक बिजनेस वूमेन है। प्लीज वेलकम श्रीमती रेखा चौधरी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड आई मस्ट से यू आर लुकिंग रियली प्रिटी। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। रेखा जी, नंदुरबार
महाराष्ट्र का एक छोटा सा आदिवासी इलाका, वहां से एक 12वीं पास लड़की जिसकी शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करती है और वो आज मेरे सामने बैठी है। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? महिला के लिए कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं होता, अगर वो डिसाइड करे तो। और वही मेरे खुद के लाइफ में हुआ है। एज ऑफ 14 से मेरे दिल में था कि मुझे कुछ करना है, ब्यूटी क्षेत्र के अंदर कुछ, मुझे खुद का कुछ अस्तित्व निर्माण करना है जी। पर यही होता है गांव में, जल्दी से शादी या बच्चे होना, और एक स्त्री को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, खुद का अस्तित्व ही वो भूल जाती है। और वही मेरे इसमें भी हुआ। मैंने 25 और 26 के एज में जो मेरा आधा अधूरा सपना जो बचपन से मैं देख रही थी, वो कुछ कितने सालों के बाद, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे, उसके बाद मैंने छोटा सा मेरा ब्यूटी पार्लर मेरे घर में शुरू किया, बच्चों के होने के बाद। और स्पा और वेलनेस के क्षेत्र में आज पूरा एक पूरा इंडस्ट्री को जो जरूरत है जी, मिस लग्जरी ब्रांड से लेके कंसल्टेंसी से लेके एजुकेशन से लेके और खुद के स्पा चलाने, यहाँ से मैंने सब कुछ आज मेरा पूरा बिजनेस का मॉडल पूरा खड़ा किया है। पति, मैं वाकई कहना चाहूँगी कि जितनी महिलाएं आज का हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, उन सभी के लिए आप वाकई में एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि एक गृहिणी जब इस तरह से बिजनेस का काम शुरू करती है तो सबसे पहले तो घर से ही उन्हें रोका जाता है। हमने कुछ लेडीज से बात की थी, इनफैक्ट आई शुड से वी हैव टॉक्ड टू सम गर्ल्स, उनके जहन में क्या है आपको दिखाना चाहेंगे। इंडिया में 90% वेमेन्स इंडिपेंडेंट नहीं है, दे डोंट इवन थिंक कि मैं बिजनेस कर भी सकती हूँ। उनकी जो थिंकिंग है वो ब्लॉक हो गई है, एंड वी नीड टू ओपन दैट ब्लॉक। यहाँ पर 100 इंडस्ट्री जो है मेरी पैनल प्रोसेसिंग की है, तो मुश्किल से 2 or 3 लेडीज आर रनिंग दिस इंडस्ट्री। वी हैव 3 फीमेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ 22, अप्रॉक्सीमेटली 50-50 आएंगे। वी आर ऑलमोस्ट बैलेंस बाई 50-50। लड़कियों का परसेंटेज मैं बोलता हूँ 20% ही होगी, वो 15-20%, मगर जितनी भी है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। भारत में महिलाओं के लिए बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है, वुमन एम्पावरमेंट हम लोग जिसके कहते हैं वो अब तक उतने लेवल तक आई नहीं है कि महिलाओं के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अभी तक आया नहीं है। तो सुनील जी, हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो भारत तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बढ़ रही है, लेकिन क्या महिलाओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट की आ रही है उसमें महिलाओं के लिए अलग से स्कीम्स हैं जी, साथ में उनकी ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली हुई है जो एनजीओ के माध्यम से होती है जी। वो है हमारी ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल, कि ट्रेड रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर है जी, जो ट्रेड रिलेटेड उन्हें दिक्कत आती है उसके लिए जो स्कीम है ट्रेनिंग की जी, वो एक स्कीम है जो कि एनजीओ के माध्यम से लागू करते हैं। मान लीजिए वो 10 या 20 महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है और वो उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, तो उस एनजीओ को सब्सिडी देती है जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट की देती है। उसमें पर जितने भी एंटरप्रेन्योर आप ले रही हैं महिलाएं उनको भी देती हैं, साथ में ग्रुप के लिए भी अलग देती हैं। बिल्कुल। तो अब जितनी भी स्कीम बन रही है उसमें खास फोकस वीमेन एंटरप्रेन्योर पे है जी। रेखा जी, अभी जैसा कि हम सुन रहे थे कि कुछ फीमेल्स का ये भी मानना है कि जो महिलाओं की एक सोच है वो ब्लॉक हो जाती है, जैसा आपने कहा कि कम उम्र में शादी हो गई, उसके बाद फिर बच्चे हो गए, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि बस यही गृहस्थ जीवन है, उसके बाद अब कहाँ कोई बिजनेस कर पाएगा। तो आपके अंदर वो शक्ति कैसे आई, या कब वो आपको लगा कि हाँ मैं बिजनेस कर सकती हूँ, और क्या सपोर्ट मिला आपको घर से उसके लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हर एक वुमन को उसको जो दिक्कतें आती है वो जहाँ पे वो रह रही आजू बाजू का माहौल या फ्रेंड सर्कल से या तो फैमिली से जी, और यही प्रॉब्लम मेरे केस में भी हुआ है। मुझे भी, क्योंकि जो क्षेत्र मैंने चुना था ब्यूटी का, वो क्षेत्र को उस टाइम बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती थी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं था, और स्पेशली जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं था। और एक्सेप्टेंस सिर्फ वही नहीं है, उसने बिजनेस शुरू करना उसके ऊपर और विश्वास रखना कि वो बिजनेस कर पाएगी या नहीं जी, यहाँ से भी शुरुआत होती है। जैसे कि इनिशियली जो था स्टेज कि फैमिली बिजनेस में जब इंटरेस्ट दिखाना चाहती थी तो घर के लोगों को ही नहीं लगता था
कि आप कर बिजनेस कर पाओगी या नहीं। पर एक मेरे इसमें था जो मैं स्पोर्टी नेचर रख के हर एक जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ आते थे उसको हंसते खेलते मुझे आगे जाना है, क्योंकि मेरे दिल में जो एक उमंग थी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, वो मैंने छोटे छोटे चीजों से मैंने खुद को पहचाना, खुद को मैंने डाला वो सब चीजों में जी। और वहां से मैंने डेवलप करना शुरू किया जी। और ऐसे देखते देखते जब मैंने खुद का छोटा सा ब्यूटी पार्लर मेरे घर में शुरू किया जी, वहां से मेरी बिजनेस की शुरुआत हो चुकी थी। फिर घर वालों को उसके बाद आपके ऊपर भरोसा आ गया कि हाँ अब ये कुछ तो कर सकती हैं, शुरुआत तो कर दी है। सर अगर हम भारत जैसे देश की बात करें जहाँ पर एक तरह से जैसा अभी आपने बोला कि पुरुषों की प्रधानता है, लेकिन जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं इस तरह से, सरकार का कितना सपोर्ट रहता है, उनकी तरफ से कितनी सहायता रहती है महिलाओं के लिए? सरकार की बहुत ज्यादा सपोर्ट है इस समय अगर हम देखें जी। यदि हम ये देखना चाहें कि जो विलेज इंडस्ट्री है, ये जो हमारे दूर दराज के ग्रामीण इलाके के क्षेत्रों के जो लोग हैं, उसमें गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम कॉयर की है। कॉयर फाइबर होता है, उससे जो यार्न बनता है उसको बनाने के लिए हर घर में एक महिला को वो देते हैं। अगर वो उद्योग शुरू करना चाहती है उसका, तो उसमें उसको 75% तक सब्सिडी है। अच्छा। बाकी का 25% वो लोन लेती है। Okay. तो वो एक घर में एक ही महिला को दिया जाता है। वो स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, जो कि बहुत ही अच्छी स्कीम है। जी। तो सरकार की काफी सहायता रहती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने सरकार से क्या सहायता ली या किस तरह से शुरू किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करने की, जब हम घर में सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पूंजी चाहिए, छोटी या बड़ी, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर शायद भरोसा करके, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, लेकिन होता यह है कि पुरुष को जब अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाना है तो बेझिझक पैसा लगाते हैं, लेकिन घर की महिला बिजनेस करे, रिस्क ले, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट का रिस्क लिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है और बड़ा ही मुश्किल होता है। आपको लोन की सहायता मिली? जैसे सुनील जी ने बताया कि अभी जो कुछ कोर्सेस शुरू हुए हैं वुमन एंटरप्रेनर के लिए, ये बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज़ हो रही है, क्योंकि एक फैमिली लाइफ से जब उसको खुद को बिजनेस में डाइवर्ट करना है और जब वो बिजनेस शुरू करना चाह रही है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फाइनेंस एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा। गाँव से मुंबई में फर्स्ट टाइम आने के बाद मुझे खुद का जो बिजनेस मैंने ब्रांड्स लेके जो शुरू किया वो छोटे से मेरे घर में वापस मैंने शुरू किया। तब मैंने छोटी सी पूंजी में ही वो मेरा ब्रांड से, एक ब्रांड से मैंने शुरुआत किया। तो पहले आपने अपने घर की पूंजी लगाई, खुद को एस्टेब्लिश मैंने मेरे घर में किया, और उसके बाद फिर मैंने बाहर कदम रखा, बैंक से लोन लिया। राइट। कितना लोन लिया आपने? लोन मैंने तब 10 से 15 लाख तक मैंने लोन लिया था। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक महिला उद्यमी जब वो बाहर निकली है उद्योग करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, पूंजी की सहायता बैंक से तो मिल रही है, लेकिन साथ में कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी है। कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी या तो आपको अपना घर गिरवी रखना है या कोई एक ऐसी चीज आपको उन्हें देनी है जो आपके नाम पे है। लेकिन भारत जैसे देश में अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिनके नाम पर घर है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के समय पे जब आपको कोई सिक्योरिटी देनी होती है तो वो नॉर्मली जो हाउस होता है या जो भी आपके पास इमोबाइल प्रॉपर्टी होती है वो पुरुष या मेल मेंबर के नाम होती है। तो उस कारण से जब वो बैंक में गिरवी रखना पड़ता है तो मेल मेंबर को लगता है, परिवार को लगता है कि जी एक यही मकान है, इसे भी क्या गिरवी रखना है, तुम्हारा तो भरोसा नहीं कब आज शुरू करोगी, कल खत्म करोगी, क्या करोगी, प्रॉपर्टी हमारी जाएगी। लेकिन जब मेल को शुरू करना होता है तो क्योंकि प्रॉपर्टी उसी के नाम होती है और उसको लगता है उसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है और उसके पूर्वानुमान और उसका जो बिजनेस प्लान है वो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा फेल हो ही नहीं सकता, तो वो बेचिचक फटाफट अपना मकान भी गिरवी रख लेता है, फिर चाहे उसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा हो महिलाओं से। तो ये एक दिक्कत आती है फाइनेंस में। और जितने भी हमारे जो हमारे बैंक हैं, जितने भी तरह के बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के बैंक हैं या वो प्राइवेट बैंक हैं या वो कोऑपरेटिव बैंक हैं या ग्रामीण बैंक हैं, वो सब इसीलिए खोले जाते हैं जिससे कि लोग अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी बैंक में रखें और जिसको जरूरत हो बैंक उनको रेंट दे के अपना पैसा कमाए, उनको भी ब्याज दे, अपने भी खर्चे निकाले और हमारा देश आगे बढ़े। तो बैंक की कॉन्सेप्ट ही देश में इसीलिए चली कि जो भी जिसको लोन चाहिए, क्योंकि बिगर लोन के कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, कोई भी उद्योग धंधा किसी भी तरह का, कोई भी सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में नहीं लग सकती जब तक कि आप लोन नहीं लोगे।
तो लोन एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है जी। और उसके लिए अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, हम जरूर जानेंगे उन स्कीम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस शुरू कर रही है, तो कहां से लोन मिलेगा, कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। घर की महिला बिजनेस करे, रिस्क ले, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट का रिस्क लिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है और बड़ा ही मुश्किल होता है। फाइनेंस एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा। सब बैंक की स्कीम है अलग से जो कि विमेन एंटरप्रेनर के लिए, एक अलग बैंक बनाया जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक, उसमें आपको 1 करोड़ तक का लोन बिगर किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के मिलता है। रेखा कहाँ हो? चलिए भैया। पीयू कहाँ है? पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ छोड़ आई हूँ। जिस लॉकर में कैश और गहने हैं उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी ना। भला मैं अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया? आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है, खुद संभले और अपनों को संभाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स, और हम लोग आज बात कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एक साक्षात उदाहरण मेरे सामने बैठी हैं। रेखा जी, आपने जब ब्यूटी और वेलनेस के एक क्षेत्र में कदम रखा था, कहा जाता है कि जब आप इस क्षेत्र में आते हो, थोड़ी सी ग्लोरिफाइड इंडस्ट्री है, तो उसके लिए आपको अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, जो जिसे हम कहते हैं एक हाई स्टेटस सोसाइटी का रहन सहन आना बहुत जरूरी है। और आप तो एक आदिवासी इलाके से आई थी, कैसे मैनेज कर पाए? ये बहुत ही बड़ा सवाल था मेरे सामने भी। और आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे खुद के ऊपर ही मुझे ताज्जुब लगता है, मैंने मैनेज कैसे किया। छोटे गाँव से आके सिटी में फर्स्ट टाइम मैंने कदम रखा था, और सिटी में आने के बाद तो ये महा मुंबई की महानगरी जी, माया नगरी उस क्षेत्र में मैं एंटर कर रही थी, या उस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही थी जो क्षेत्र कम्प्लीटली ग्लैमरस इंडस्ट्री है। बिल्कुल। वहाँ पे चैलेंज था फर्स्ट मुझे आगे का मुझे पढ़ाई लेना। जब मुझे एजुकेशन आगे करना है तो लैंग्वेज वॉज द बिगेस्ट बैरियर फॉर मी जी, क्योंकि आपने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, एंड मुझे लगता है अगर आपने वही आदिवासी क्षेत्र से की है तो वो भी शायद हिंदी मीडियम में ही रही होगी, मराठी मीडियम में। मराठी मीडियम और लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर था, वो लैंग्वेज को आपके एजुकेशन के बराबर नापते हैं, और उस वजह से क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती है इसका मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना, ऐसा बहुत लोगों का मानना होता है, पर जरूरी नहीं होती है। जो बिजनेस वुमन है, जिसको बिजनेस करना है आगे, उसको खुद के ऊपर विश्वास होना सबसे बड़ी बात होती है, बाकी ये सब कुछ, ये सब चीजें बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, और इस भरोसे के बलबूते बहुत सी लेडीज हैं हमारे देश में जो आगे बढ़ रही हैं, और इसके बारे में बहुत से पुरुष बात कर रहे हैं, दिखाना चाहेंगे आपको। मेट्रो सिटीज या बड़े बड़े सेंटर में आज ऐसा है कि महिलाओं आगे बढ़ रही है, काम करने आ रही है, वो जॉब फील्ड में या प्रोफेशनल फील्ड में या सर्विस सेक्टर में आगे आ रही है, मगर बिजनेस में तो गुजरात की महिला पहले से ही है। जो अमूल डेयरी है वो बेसिकली एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, तो कई सालों से यही चल रहा है कि जो मिल्क कलेक्शन वहाँ पर है वो छोटे छोटे गाँव की महिलाओं का यूनियन होता है, और वही लोग पूरे गांव का मिल्क इकट्ठा करके अमूल को देते हैं, और अमूल फिर उसको प्रोसेस करती है। सिर्फ महिला के लिए फाइनेंस की स्कीमें गवर्नमेंट ने लानी स्टार्ट कर दी, तो हर कोई ऐसे एफर्ट्स तो कर ही रहा है कि महिलाएं आगे आए। तो सिर्फ महिलाओं के लिए भी स्कीम्स लानी शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने या बैंक्स ने, क्योंकि सबको लग रहा है कि महिलाएँ अब बिजनेस की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं, क्या वो स्कीम्स हैं सर? कोई भी अगर अपने देश में जो भी बैंक चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं जी, उन सब बैंक की स्कीम है अलग से जो कि विमेन एंटरप्रेनर के लिए, लेकिन एक अलग बैंक बनाया जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक। 2013 में चालू हुआ है ये,
तो इनकी कुछ स्कीम है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मैं जरूर बताना चाहूंगा जिससे कि आपके शो के माध्यम से सब महिलाओं को फायदा पहुंचे। उनकी पहली एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार। जैसा नाम से लगता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, वेलनेस की, ब्यूटी की, श्रृंगार से रिलेटेड कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें आपको 1 करोड़ तक का लोन बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता है। उसके लिए उन्होंने एमएसएमई मिनिस्ट्री से अपना टाई अप किया हुआ थी और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, लगभग 12% है, और उसमें साथ में आपको मार्जिन मिलता है कि 7 साल में आप उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही भारतीय महिला बैंक की एक और स्कीम है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। यानी कि आप अगर फूड की इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इसमें दोनों में देते हैं, यदि आप फूड इंडस्ट्री में या किचन इक्विपमेंट में जो कि अल्टीमेटली उसी में काम आते हैं, उसमें भी 1 करोड़ तक का जो लोन है वो बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता है। इसमें रीपेमेंट पीरियड जरूर कुछ कम है, लगभग 3 साल का है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज है, और जो लोन का ब्याज है वो 12% के लगभग है। तीसरी स्कीम है भारतीय महिला बैंक की जिसको हम बोलते हैं परवरिश। परवरिश जैसा नाम से लगता है डे केयर। यदि किसी भी तरह का आप डे केयर सेंटर चलाते हैं या परवरिश या किसी भी तरह का हेल्थ केयर यूनिट चलाते हैं, तो उसमें भी आपको 1 करोड़ तक का लोन जिसका रीपेमेंट 5 साल में होता है और जिसका ब्याज लगभग 12% है, बिगर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारतीय महिला बैंक की, जो कि सभी महिलाओं के लिए हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए, और ये बहुत ही खास है। आपसे रेखा जी अगर मैं बात करूं, आज आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गई हैं जहां पर आकर आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है इस इंडस्ट्री में। अब जब आप वापस अपने गांव जाती हैं, क्या आप कुछ और लोगों को प्रेरित करती हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, कुछ और लड़कियों को, कुछ और रेखा चौधरी को जिनके जहन में शायद ये सपना है लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जरूर, एक्चुअली मैं बहुत सारी रेखा चौधरी ढूंढना अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया है मैंने। गांव में बहुत बड़े पैमाने में मैंने स्कूलिंग का सिस्टम अभी चालू किया है, जो इंटरनेशनल स्कूलिंग ब्यूटी एंड वेलनेस के यही क्षेत्र में मैं उनको अभी एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। वेरी नाइस। और सभी को ताज्जुब हो चुका कि इतने छोटे विलेज में इतने बड़े पैमाने पे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एजुकेशन देने वाले स्कूल वहाँ पे क्यों ओपन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड चैलेंजेस था स्टूडेंट वहाँ पे लाना, पर आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मेरे स्कूल में कम से कम 2000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के जितने भी महिलाएं थी उन सबको हमने काउंसलिंग किया, उन्होंने देखा एक रेखा चौधरी एक छोटे गाँव से जाके आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही नहीं 25 देशों के साथ काम कर रही है, और ये देखने के बाद उनके खुद के अंदर की रेखा चौधरी आज खड़ी जिंदा हो गई है। On that note, we are going to take a break. Break के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। Stay tuned. भारत का विकास लाखों MSMEs की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर MSME के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए, तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना? हाँ। मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझ कर भरोसा करें। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। और अब वक्त आ गया है हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का, जो कि वो मेल्स के माध्यम से और ऑडियोज के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। पहले मेल के सवाल हम लेना चाहेंगे। ये पहला सवाल हमारे पास आया है कोलकाता से दीपक चक्रवर्ती का। आप कहते हैं कि आपकी
इनकम हाउस रेंट और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को मिलाकर लगभग 5,06,000 के करीब है, तो क्या ये एलिजिबल है इनकम टैक्स में 87A के तहत रिबेट पाने के लिए? नहीं दीपक जी, बिल्कुल एलिजिबल आप नहीं है, क्योंकि आपने 5,00,000 को क्रॉस कर दिया है। 5,00,000 से नीचे वालों को ये रिबेट मिलती है। सानोवाल पंजाब से प्रताप सिंह जी हैं, आप कहते हैं कि आपने पहले 3 एम्प्लॉयर्स के पास ऑलरेडी जॉब किया है अलग अलग जगहों पर, लेकिन हमारा प्रोग्राम देखने के बाद, बिग बिजनेस आइडियाज देखने के बाद, आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू किया है, तो आप जानना चाहते हैं कि क्योंकि अब ये नौकरी से व्यवसाय में आ गए हैं, तो जहां ये पहले काम करते थे वहां जो TDS कट के इन्हें सैलरी मिलती थी, क्या अब उस TDS का रिफंड इन्हें मिलेगा? जॉब छोड़ के अगर ये बिजनेस पे आ गए तो इस बात का कोई नहीं है कि जॉब छोड़ दी तो मुझे जॉब वाला TDS नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके पैन नंबर के साथ वो सारा TDS है, तो उसका क्रेडिट जब भी आप रिटर्न भरेंगे उसमें जरूर मिलेगा। जस्ट ये है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बकायदा फाइल भरनी पड़ेगी। जी, और अब ले रहे हैं हम वो सवाल जो ऑडियो के माध्यम से हमारे पास आए हैं। हेलो, माय नेम इज प्रियंका गर्ग एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मुझे एक क्वेश्चन था कि हमें फाइनेंस सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या उसके कंप्लायंस होंगे, क्या क्या आगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे? फाइनेंस सोसाइटी, प्रियंका जी का मतलब मेरे को लगता है थ्रेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी से है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। वो जो भी स्टेट में, अगर ये दिल्ली से हैं तो दिल्ली में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैठता है, हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैठता है, उनके यहाँ पर इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले, और वहीं पर सारे कंप्लाइंस करने पड़ेंगे, उसके बाद ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम अतुल गोयल है, मैं तेलीपाड़ा सदर बाजार से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मनी ट्रांसफर का काम है, और इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, मैं ये जो बिजनेस है ये मेरा सर्विस टैक्स दायरे में कब आता है, मतलब कितनी इनकम के बाद मुझे सर्विस टैक्स देना पड़ेगा? इसमें दो बात इम्पोर्टेंट है, यदि ये मनी ट्रांसफर के बदले कुछ सर्विस चार्जेस या कमीशन लेते हैं तो सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और अगर वो लेते हैं तो 10,00,000 से जैसे ही क्रॉस होगा, उस 10,00,000 से पहले ही ना रजिस्ट्रेशन लेके 10,00,000 क्रॉस होते ही सर्विस सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अब वक्त आ गया है हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपके बिजनेस मंत्र का। आज मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी भी महिला को उद्यमी बनाते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं, पहला एक जनरेशन सुधर जाती है, और दूसरा कोई भी देश संपन्न देश की श्रेणी में आने के लिए पहला कदम उठाता है। बिल्कुल, और जब पहला कदम उठता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ 100 miles जर्नी। और अब रेखा जी, हम लोग आ गए हैं उस सेगमेंट में जो कि है शिल्पा भावना स्पेशल, और ये राउंड इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये है रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी उसके जवाब देने। ओके, तैयार है आप? तैयार हूँ एग्जाम के लिए। ओके, देखते हैं कितने अच्छे नंबर से आप पास होते हैं। पहला सवाल है, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है, लोगों को ब्यूटी के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में, या बच्चों को ब्यूटी के बारे में पढ़ाकर इस इंडस्ट्री में लाने के लिए? बच्चों को पढ़ा के इस इंडस्ट्री में लाने के लिए ज्यादा खुशी मिलती, सबसे ज्यादा खुशी है। महिलाओं को बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, आपको अपनी प्राथमिकता बतानी है, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पार्टनर, फैमिली सपोर्ट या एजुकेशन? सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट, फिर फैमिली सपोर्ट, ओके, बिजनेस पार्टनर, देन एजुकेशन। ओके, वेरी नाइस, ये आपका आखिरी सवाल है, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। आपको बताना है कि किसी भी महिला को अगर सुंदर दिखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखता है, ब्यूटीफुल। और मैं कहना चाहूंगी कि आप वाकई में विनर रही हैं, बिकॉज़ आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, सर भी नहीं। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम बिग बिजनेस आइडियाज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दोस्तों, ये महिलाओं की फितरत होती है कि वो अपनों का ख्याल तो रखती हैं पर अपना ख्याल नहीं रखती, तो आज से अपना ख्याल भी रखना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको मानसिक बल्कि आर्थिक समृद्धि भी मिलती है, और ये वो आर्थिक समृद्धि है जो आपके जीवन के सभी सपने पूरे कर सकती है। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। जय हिंद।
बिग बिजनेस आइडियाज़।